दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नालंदा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए स्वर्ण व्यवसायी हत्याकांड के मामले में अंतरजिला आपराधिक गिरोह के एक शूटर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त पटना जिले के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र अंतर्गत खगौल रोड के द्वारिका कॉम्प्लेक्स निवासी सुरेंद्र प्रसाद का पुत्र अमित कुमार है। पुलिस ने अमित कुमार के पास से एक देसी कट्टा, दो जिंदा कारतूस, एक मोबाइल एवं घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार को बरामद किया है। आपको बताते चले कि पिछले 13 जनवरी को नालंदा जिला मुख्यालय बिहार शरीफ के सोहसराय थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ी पहाड़ी रोड में एसपी आवास से महज 300 मीटर की दूरी पर दिन दहाड़े मगध कॉलोनी निवासी नंदलाल वर्मा के पुत्र सुहागन ज्वेलर्स के संचालक सुमन कुमार चिंटू की लूटपाट के क्रम में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और दिन दहाड़े वारदात को अंजाम देने के बाद सभी अपराधी फरार हो गए थे। पुलिस ने घटना के दिन घटनास्थल से एक मोटरसाइकिल एवं लावारिस अवस्था में अपराधियों द्वारा भागने के क्रम में छोड़ी गई दूसरी मोटरसाइकिल को बस स्टैंड से बरामद किया था। पुलिस की माने तो अनुसंधान के क्रम में उपलब्ध साक्ष्य से स्पष्ट हुआ है कि स्वर्ण व्यवसायी के यहाँ लूटपाट करने के लिए अपराधकर्मी पटना से बिहार शरीफ पहुंचे थे और स्थानीय अपराधकर्मियों के सहयोग से इस वारदात को अंजाम दिया गया था। फिलहाल पुलिस के द्वारा एक अभियुक्त अमित कुमार को पटना से गिरफ्तार किया गया है और अन्य अभियुक्तों को चिन्हित कर पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।